नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे और ऐसे में कैंट विधानसभा में बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। ऐसे में सर्किट हाउस में परियोजनाओं की समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। इससे पहले बता दें, मुख्यमंत्री काशी चुनार क्रूज सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से आयोजित किए जा रहे इस प्रबुद्ध सम्मेलन में समाज के कई क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल होंगे। इसमें बता दें, केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से जनता के हित में किए जा रहे कार्यों, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा भी की जाएगी। आगरा में जहां एक और महामारी के मद्देनजर परिषदीय उप निदेशक की टीम जिले भर में विद्यालयों का निरीक्षण कर रही है, वहीं लखनऊ टीम को खुश करने के चक्कर में आगरा के ब्लॉक खेरागढ़ में अध्यापक नौनी हॉलों में जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार कर नौनी हालों से घास खुदाई करवाई जा रही है और ऐसे में महामारी के बीच पढ़ाई के लिए एक तरफ स्कूल खोल दिए गए थे, वहीं स्कूल में शिक्षकों ने बच्चों को मजदूर बना दिया है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। आपको बता दें कि परिषदीय उप निदेशक की टीम जिले भर में स्कूलों का निरीक्षण कर रही है और ऐसे में टीम की शिक्षा प्रणाली, साफ सफाई और बच्चों के कोरोना से बचाव की व्यवस्था का जायजा भी ले रही है। मामला है जहां पर जिले भर में विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और देखिए, पिछले काफी समय से कोरोना की वजह से स्कूल जो बंद थे, अब स्कूल खुले हैं तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जा रही, बच्चों से इस तरह साफ सफाई कराई जा रही है जिससे शिक्षा प्रणाली पर कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। तस्वीरें किस तरह से हैं ये देख सकते हैं आप। स्कूल बच्चों को बुलाया गया वहां पर अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा उन बच्चों को मिल सके उसके लिए पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूलों का हाल ये है, स्कूलों में बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है और पढ़ाई नाम की तो चीज ही नजर नहीं आ रही है। तो बता दें, जिले भर में विद्यालयों का निरीक्षण चल रहा है जिसमें ये तस्वीर जो है सामने आई है। ऐसे में विद्यालयों का निरीक्षण जो है वो लगातार किया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि परिषदीय उप निदेशक की टीम जिले भर में स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। ऐसे में टीम शिक्षा प्रणाली, साफ सफाई और बच्चों के कोरोना से बचाव की व्यवस्था का जायजा ले रही है। तो आगरा की ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं किस तरह से कोरोना के बाद कई महीनों बाद स्कूल खुले, ऐसे में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई कराने की बजाय शिक्षक जो हैं बच्चों से साफ सफाई कराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें, आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई महीनों से कोरोना के प्रकोप को देखते हुए स्कूल जो थे वो बंद थे, लेकिन अब स्कूल जब खुल गए हैं, 1 सितंबर से पूरे यूपी में प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, तो उन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने की बजाय इस तरह से अध्यापक और शिक्षक जो हैं बच्चों से साफ सफाई कराते हुए नजर आ रहे हैं। लुटेरों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि लगातार चोरी, डकैती, बदमाशों और दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। वहीं इस असामाजिक तत्वों को पुलिस प्रशासन का डर भी नहीं है। ताजा मामला आगरा का है जहां पर कासगंज पैसेंजर से महिला मथुरा से अचनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी करने जा रही थी कि तभी चलती ट्रेन में महिला नर्स के साथ लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान लुटेरों ने नर्स को घायल भी कर दिया। वहीं बदमाशों ने महिला नर्स के कपड़े भी फाड़े और महिला का पत्थर मारकर सर भी फोड़ दिया। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की वारदातों का लगातार सामने आना पुलिस और प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो यूपी में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार चरम पर हैं। अपराध
जो है अपराध का ग्राफ यूपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगरा में का ये मामला है जहां पर चलती ट्रेन में महिला के साथ बदसलूकी की गई, लूट की गई। ऐसे में लुटेरों ने महिला का को घायल भी कर दिया बुरी तरह, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज चल रहा है। बता दें चलती ट्रेन में महिला का पर्स भी लूट लिया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में अपराध जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार महिला सुरक्षा और तमाम वादे करती है सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन शायद यूपी में अपराधियों को कानून का डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार बस और कार के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला के दो बच्चों समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें हादसा बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास हुआ। वहीं पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने घटना की जानकारी पुलिस ने कार सवार लोगों के परिजनों को दी है। कार किसकी थी, मतलब आप खुद की थी या किराए वाले आपकी थी? नहीं, की फूफा जी की थी। तो कितने लोग सवार थे कार में? कार में कितने लोग? चार लोग, मतलब छह लोग। दो बच्चे थे। किससे हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं हमको कुछ चला। सब लोग एक ही परिवार के थे? हाँ, एक ही परिवार है। फूफा जी की और उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील जिला उधम सिंह नगर में प्रशासन और खाकी की नाक के नीचे अवैध खनन का खेल जोरों से चल रहा है और ओवरलोड वाहन सड़कों पर दानवों की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में चलने वाला यह खेल बिना मिलीभगत के नहीं, बल्कि खाकी और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। अवैध खनन से जुड़े सभी विभाग खनन माफियाओं के सामने कैसे नतमस्तक है, इस वीडियो से ये साफ समझ में आ रहा है। यहाँ नियमों पर नोटों की खनक इतनी भारी है कि नियमों का ताक पर रखना खनन माफियाओं के लिए एक बड़ी बात नहीं है। और रात के अंधेरे में चलने वाला यह अवैध खनन का खेल कई विभागों की मिलीभगत से खेला जा रहा है। कहीं वन विभाग के सुस्त कर्मचारियों की लापरवाही, तो कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी, तो कहीं खनन विभाग से साठगांठ कर सड़कों पर पुलिस की हमजोली बनकर ये माफिया अवैध खनन का जंगल रात चला रहे हैं। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। तो दमना सिंह नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध खनन का खेल जो है वो जोरों पर चल रहा है। और ऐसे में बता दें कि अवैध खनन का जो ये खेल है काफी समय से चला आ रहा है। हालांकि साठगांठ पुलिस प्रशासन के साठगांठ से मिले भगत से यह अवैध खनन का काम सालों से चला आ रहा है। हालांकि सरकार जो है वो वादे करते हुए नजर आती है, वादे करते हुए दिखती है कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती है। और ऐसे में रात के अंधेरे में ये खनन माफिया जो है बड़ी संख्या में खनन करते हैं। देख सकते हैं ट्रक, ओवरलोड ट्रक जो है वो सड़कों से गुजरता है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क में ये खनन का सामान जो है भरकर जा रहा है। और ऐसे में पिछले काफ़ी समय से खनन करने की खबरें और तस्वीरें इस तरह से लगातार सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद भी
शासन जो है वो लगातार ये कहता नजर आता है कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो है खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है, इसीलिए यह अवैध खनन का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही बता दें कि रात के अंधेरे में चलने वाला ये खेल बिना मिलीभगत के नहीं, बल्कि खाकी और प्रशासन की मिलीभगत से ही चल रहा है। अवैध खनन से जुड़े सभी विभाग खनन माफियाओं के सामने कैसे नतमस्तक हैं, इस वीडियो से ये साफ समझ में आ रहा है। साथ ही यहाँ नियमों पर नोटों की खनक इतनी भारी है कि नियमों को ताक पर रख कर खनन जो है वो किया जा रहा है। और जहाँ तक ओवरलोड वाली बात है तो उस पर लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारी संयुक्त टीम एक जो खनन विभाग है, राजस्व विभाग और वन विभाग है, पुलिस की सहायता जैसे उनको चाहिए होती है उनको सहायता हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार हम करते रहते हैं। छापेमारी की भी कार्रवाई इसमें की जा रही है और एक अवैध वसूली का है तो उसके सहा है तो संबंध में जानकारी की जाएगी और गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी और अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो तत्काल उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें उद्धम सिंह नगर में यह अवैध खनन का खेल जो है वो जोरों पर चल रहा है और ऐसे में मिली भगत से यह अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं इन तस्वीरों से ही देखा जा सकता है और ऐसे में बता दें नियमों को ताक पर रखना खनन माफियाओं के लिए एक बड़ी बात नहीं है और रात के अंधेरे में चलने वाला यह अवैध खनन का खेल कई विभागों की मिली भगत से खेला जा रहा है। कहीं वन विभाग के सुस्त कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी देखी जाती है, जिसकी वजह से उद्धम सिंह नगर में खनन जो है वो किया जा रहा है और ऐसे में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं ये इन तस्वीरों से ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि देखिए विभाग से साठगांठ कर सड़कों पर पुलिस की हमजोली बनकर ये माफिया अवैध खनन का जंगल राज चला रहे हैं और रात के अंधेरे में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरान नंद महाराज से भेंट कर 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगत गुरु राजराजेश्वरान नंद ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बनाया और कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया और कहा कि इस बार उनकी पार्टी उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी और एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाले मिथक को तोड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी कोई खतरा नहीं है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी को ही वोट देती आई है और बीजेपी को ही वोट देगी। लेकिन अगर आप देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा भी जीती लोकसभा भी जीती और अब 2022 का विधानसभा का चुनाव है तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ये सोच इस बार बदलेगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड में बनेगी। नहीं, कोई खतरा नहीं है। देखिए उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रीय सोच के और राष्ट्रीय दलों के साथ रहते हैं। आपने देखा यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल रहा, बीच में तिवारी कांग्रेस भी बनी, कुछ और भी ऐसे अनेक यहाँ पर लोकल पार्टियाँ बनी, लेकिन कभी किसी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। उत्तराखंड की जनता ये राष्ट्रीय विचारों की है, इसलिए राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी को ही अपना समर्थन देगी। प्रदेश की उन्नति के लिए जो भी हमारे त्रिवेंद्र जी जैसे चार साल का कार्यकाल यहाँ बीता, वैसा तो यशस्वी समय और अभी किसी मुख्यमंत्री का व्यतीत नहीं हुआ, तो इसलिए इन्होंने एक दिशा और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरांचल बनाने का जो संकल्प था वो इनके द्वारा पूरा किया गया है और आगे भी भविष्य में भी
उत्तराखंड का जो है ये जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता है उसके विरुद्ध इनका जो अभियान है वो जारी रहेगा। अरे क्यों नहीं, वो तो स्वाभाविक है। दर्जनों लोगों ने उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली साबिया सैफी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या करने वाले दरिंदों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जनहित कल्याण समिति के अध्यक्ष कलीम रिजवी ने बताया कि 21 साल की साबिया दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी कर रही थी और इन्हें 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम साबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान घर वालों ने घर पर हर जगह उसे ढूंढा। थाने गए, कलेक्ट्रेट के पास गए, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर पता चला कि साबिया की हत्या हो चुकी है। रिजवी ने कहा कि देश में आए दिन हो रही है ऐसी घटनाओं से देश की बहन बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मांग की गई है कि साबिया के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फास्ट कोर्ट के जरिए मुकदमे की सुनवाई कर कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर साबिया को इंसाफ नहीं मिला और साबिया के साथ में राज्य सरकार या केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस सौतेला व्यवहार करती, उसको इंसाफ नहीं देती, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, अमरण अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे और जब तक नहीं हटेंगे जब तक साबिया को इंसाफ नहीं। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवार निवासी शिव कुमार कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें शिव कुमार की मांग है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात कराई जाए, नहीं तो जब तक वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल कांग्रेस के ये नेता गांधी परिवार को सियासी ज्ञान देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कांग्रेस गलत रास्ते पर चल पड़ी है और शिव कुमार बताते हैं कि 18 अगस्त को उन्होंने ज्ञापन दिया था जिसमें आज तक अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है और पार्टी के भविष्य को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत करनी है। ऐसे में शिव कुमार का कहना है कि सारी जिंदगी कांग्रेस में समय बिताया और कभी किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया, लेकिन अफसोस जब चुनाव आता है तो उन्हें अपनी ही पार्टी से शर्मिंदा होना पड़ता है और पार्टी के टिकट न देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के टिकट न देने पर भी उन्होंने किसी दूसरी पार्टी का रुख नहीं किया है। मथुरा के महावन तहसील की ग्राम पंचायत नेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम प्रधान ने वैक्सीन कैंप लगवाने की मांग की तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के प्रभारी सोनू चतुर्वेदी ने 4 लोगों की टीम बनाकर गांव नेरा के लिए रवाना कर दिया। शुक्रवार को सुबह प्राथमिक विद्यालय नेरा पर 400 वैक्सीन लेकर वो पहुंचे और ऐसे में CHC प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नेरा पर टीम ने 400 वैक्सीन में 70 वैक्सीन लगाई गई थी जिसे लेकर गांव के अराजक तत्वों के लोगों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बलदेव पुलिस को सूचना दी और जो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस को देखकर अराजक तत्व के लोग जो हैं वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए 3 दिन पहले जो नेरा के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा पर्सनल रिक्वेस्ट की गई थी कि एक मेगा कैंप हमें दे दिया जाए जिससे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसको हम कवर कर सकें। तो उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक 4 सदस्यीय दल को घोषित करके टीम को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्राइमरी विद्यालय पर लगाया गया था, लेकिन चूँकि वहाँ पर ग्रामीण कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार और उपद्रव उतारू हो गए, उन्होंने हमारी टीम के साथ मारपीट करने की कोशिश की, टीम को प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिया। तो इसके क्रम में फिर मेरी जो है SHO साहब से बात हुई और हमने वहाँ पे एक गाड़ी दे दी टीम को निकाला और लेकिन मजबूरी में चूँकि हमारी टीम काफ़ी डर गई थी तो कैंप को हमें कैंसिल करना पड़ गया। अब आगे भविष्य में प्रधान जी के साथ सहयोग करके फिर से कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे।
पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जिसमें 48 साल की महिला की मौत हो गई है। बता दें कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय महिला अपने खेत में चारा काटने गई हुई थी, जिसके बाद बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और जिस पर आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। ये पूरा मामला कोतवाली बिसलपुर इलाके के चौरस हरतो पट्टी गाँव का बताया जा रहा है। मेरठ के थाना खरकौदा क्षेत्र के ग्राम बिजौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब योगेंद्र शर्मा नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस मृतक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। बता दें कि परिजनों का कहना है युवक की किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, फिलहाल पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। खेत पर गया और फोन आया जंगल से कि तेरे भैया आग लगा दी किसी ने, और भैया ने ये बताया कि सुबह 3 बजे मिट्टी का तेल लगा के मेरे में आग लगा दी थी, और वो कह रहा मुझे पता नहीं कौन है। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र में आजकल महिलाओं पर वार करने वाला सिरफिराग घूम रहा है, जो कि लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा है। वो मौका पाते ही घर में घुसता है और महिला के चेहरे पर चाकू से वार करता है और मौके से फरार हो जाता है। बता दें कि गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके के महाराजपुर में 14 घंटे के भीतर 2 महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया और दोनों ही महिलाएं उपचार के बाद घर आ चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि कोई साइको इस वारदात को अंजाम दे रहा है। मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं सीसीटीवी से पुलिस आगे का सुराग खंगालने में लगी हुई है। थाना लिंक रोड के महाराजपुर गाँव में कल एक महिला जो अपने घर में अकेली सो रही थी, उसके घर में ही जो चाकू रखा हुआ था उससे लेकर किसी व्यक्ति द्वारा उसके सर पे वार किया गया। एक वार किया गया था, महिला जब जग गई तो वो निकल करके भागा। आज भी लगभग इसी तरह की घटना करीब 5:15 बजे के लगभग 4th मंजिल पे महिला थी, अकेले घर में सो रही थी, घर में ही रखा हुआ चाकू लेकर के उसके गाल पे सर पे ही वार किया गया। हल्की चोट आई है, लेकिन ये 2 घटनाएँ रिपीट हुई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई साइकिक टाइप का आदमी है जो इस ढंग की घटना कर रहा है। हम लोगों को फुटेज मिली हुई है, आगे हम लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, इसको चिन्हित करके इसको पकड़ेंगे। सर, कहीं ना कहीं कहें कि जो ये इलाका है इस इलाके से संबंध रखता है वो जो है और जो लगातार इस तरह की घटना दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, चूँकि दोनों घटनाओं के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 मीटर की दूरी है। सर, मुझे फ़ोन किया गया कि बहुत तेज खून बह रहा है, किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैं दौड़ के आया, देखा तो हकीकत में खून बह रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि एक और खड़ी घटना हो गया है। जी सर, तो क्या बताया था उस घटना के बारे में? तो उस घटने के बारे में बोला था कि वो चाकू घुसा दिया, उसी में घुसा रह गया था। जी, तो मेरा बोल रहा था क्या डॉक्टर साहब, यहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, उसने तो पूरा चाकू घुसे थे। सो रहे थे 5 बजे का टाइम, ऐसे ही वो आया अचानक से, नींद में थे, चाकू मार दिया और चाकू छोड़ के यहीं भागा। अच्छा, देखने में कैसा व्यक्ति था वो? आगे से तो नहीं देखे, पीछे से उसको देखे तो 15-16 साल का लड़का था और वाइट कलर में ड्रेस पहना था, हाफ शर्ट या टी शर्ट ऐसे ही था। जब तक हम उसके बाहर निकले तो वो तब तक गायब हो गया। ऊपर नीचे चिल्लाए तो सबसे पूछे, कोई बोला नहीं देखे। तो आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? 7 महीने से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल पे इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।